हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वंजारपट्टी नाके पर। वंजारपट्टी नाके पर ब्रिज के नीचे मेरे पीछे देख सकते हैं आप किस तरह से पूरा जाम लगा हुआ है। सिग्नल लगाने के बावजूद यहाँ पर कोई सिग्नल फॉलो नहीं करता है और किस तरह से लोग यहाँ पर ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। एक शख्स यहाँ पर है, इनसे जरा जानकारी लेना चाहेंगे। सर, कहाँ से आ रहे हो आप? वाड़ा। वाड़ा से कब से फंसे हो अभी तक? 10 मिनट। सिग्नल कोई फॉलो नहीं करता है क्या? नहीं फॉलो कर रहा है। देखा किस तरह से आपने यहाँ पे कोई सिग्नल फॉलो नहीं करता है। और हम एक चीज और देखेंगे यहाँ पर कि इस पूरी ट्रैफिक में जिस तरह से रिक्शे वाले और अतिक्रमण जो पार्किंग लगा के चले जाते हैं लोग, वो लोग इसका काफी ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। ये पीछे जो आप ये इस वक्त कैमरे में जो ये रोड देख रहे हैं आप, ये शिवाजी चौक की तरफ जाता है। और ये ट्रैफिक कम से कम मैं बता रहा हूँ आपको, हाफी जी दरगाह जो वहाँ तक ये पूरी जाम लगा हुआ है। और इस तरफ आप अगर आएंगे तो ये रोड जो है एसटी की तरफ जाता है। इस रोड पर हम अभी फिलहाल एसटी की तरफ से आ रहे हैं। ये पूरा जाम जो है हसीन फरहान तक लगा हुआ है। और ये देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर रॉन्ग चल रहे हैं और सिग्नल लाखों रुपया खर्च कर यहाँ पर सिग्नल लगाया गया और सिग्नल का कोई फॉलो नहीं करता। देखिए सब अपनी जगह पर इसी तरह टस से मस नहीं हो रहे वैसे के जैसे खड़े हुए हैं। ना यहाँ पर कोई ट्रैफिक इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस वाला दिखाई देता है, ना ही कोई सिग्नल फॉलो करते हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से ये जाने वाला रोड जो है पूरा खाली है, आने वाला रोड जो है पूरा ब्लॉक हो चुका है। लोगों को पैदल चलने तक को यहाँ पर रास्ता नहीं है। ये देखिए यहाँ पर ज़्यादा करके ये यहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ भी है और रिक्शा ज़्यादा दिख रहे हैं। और देखा जा रहा है ये कि लोग रिक्शा छोड़कर पैदल चलना पसंद कर रहे हैं। ये देखिए कहाँ से आ रहे हो आप? चारों मंडे। कहाँ से आ रहे हो? चमिंद्रा से। अच्छा, तो क्यों उतर गए रिक्शे से? इतना भीड़ लगी है, ट्रैफिक लगी है, तो उतरेंगे नहीं क्या? अच्छा अच्छा, देखा आपने किस तरह से यहाँ पर पैसेंजर जो है बस रिक्शे में बैठ के तंग आ गए तो उतर गए। ये देख सकते हैं आप ये रोड किस तरह से खाली है, क्योंकि यहाँ पर जाम नहीं लगा हुआ है। और ये देखेंगे आप यहाँ पे ये नासिक हाईवे की तरफ रोड जाता है। ये पूरा आगे तो तुम उस तरफ जाओगे, ये निदान हॉस्पिटल, निदान डायग्नोस्टिक सेंटर, वहाँ तक ये पूरा जाम लगा हुआ है। और सिर्फ यहीं का ये हाल नहीं है, आप अगर ब्रिज के ऊपर जाओगे तो वहाँ पे भी इसी तरह का हाल है, वहाँ पे भी पूरा ब्लॉक हो चुका है। देखा आपने किस तरह से यहाँ पर लोग, मैं मेरे कैमरा मैन से कहूँगा जरा इस तरफ आएंगे। ये है APG अब्दुल कलाम आज़ाद, इनके ही नाम से ये ब्रिज बनाया गया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा जाम लगा। अभी फिलहाल पता नहीं क्या हुआ कि अचानक अपने आप ये ट्रैफिक खुलने लगा, लोग धीरे धीरे खसकने लगे। ये देखिए आप अगर आप यहाँ पे अगर कंटिन्यू देखेंगे, फिर देखिए 2 मिनट नहीं लगेगा, फिर जाम लग जाएगा। अभी देखिए यहाँ पर ये वहाँ वो एसटी की तरफ जाने वाली पूरी ट्रैफिक जो है रुकी हुई है। देखते हैं इस वीडियो के बाद ट्रैफिक पुलिस प्रशासन या वाहतुक के कुछ लोग यहाँ पर मेहनत करते हैं कि नहीं, और जो यहाँ पर लोग सिग्नल तोड़ते हैं उस पर एक्शन लेते हैं कि नहीं। इसी तरह हमारा चैनल देखते रहे लाइफ इन भिवंडी। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।